नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं आपका मंथली हॉरोस्कोप 2020 का। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है। इस मंथली फोरकास्ट का कोई भी रेलेवेंस सन साइन प्रेडिक्शन के साथ नहीं है। इस मंथली प्रेडिक्शन का पूरा बेस भारतीय ज्योतिष शास्त्र है और आपकी चंद्र राशि आपका मून साइन है। आज का जो वीडियो है ये आपको एक तरह से रिमाइंड करवाएगा कि इस मंथली फोरकास्ट में हम डिस्कस क्या करते हैं। मंथली फोरकास्ट में हम बात करते हैं इस पूरे महीने की आपकी हेल्थ कैसी होगी, इस फुल मंथ की आपके एजुकेशनल करियर के हालात क्या होंगे, इस पूरे महीने में आपका इश्क मुश्क रोमांस मैरिज कैसी होगी, इस पूरे मंथ की आपकी करियर जॉब बिजनेस प्रोफेशन कैसा रहेगा, इस पूरे मंथ के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होगा। और हर वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर पार्ट को देख भी सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम स्टैम्प्स लगा रखी है ताकि उस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख सकें। और मंथली फोरकास्ट आप सभी के लिए है और पूरे मंथली फोरकास्ट को आप इसको एंजॉय तो करें और एंजॉय करने के बाद हमें सब्सक्राइब बनना ना भूलें, हमारे वीडियो को क्लिक देनी लाइक देना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी हमारे लेटेस्ट वीकली फोरकास्ट के बारे में, मंथली फोरकास्ट के बारे में, जो आने वाले सालों के ईयरली फोरकास्ट हम एडवांस पे बना रहे हैं उनके बारे में, जो चार प्रमुख ट्रांजिट होते हैं उनके बारे में जो हम चैनल पे डालते रहते हैं, शनि की ट्रांजिट, बृहस्पति की ट्रांजिट, राहु केतु की। लेकिन अगर आप इस पूरे मंथली फोरकास्ट का फुल वर्जन देखना चाहते हैं जिसमें इस मंथली फोरकास्ट के साथ फुल वर्जन में आपको मिलेगा सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लेके आएगा मंथ के अंदर, उसका पूरा कंप्लीट ट्रांजिट गोचर का फल, और पूरे मंथ के आपके उपाय क्या हैं, पूरे मंथ का आपकी प्रिकॉशंस क्या हैं, पूरे मंत्र की मंत्र साधना जो आपके लिए दी गई है। अगर ये सब कंप्लीट मंथली फोरकास्ट लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें prakashastrologer.com और पूरा मंथली फोरकास्ट ग्रहण करें। पहले बात करेंगे एरीज के बारे में, मेष राशि के बारे में। मेष राशि आपका मंथली फोरकास्ट ये पूरे मंथ का आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। मेष राशि के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आपको बॉडी पेन से थोड़ा सफर करना पड़ेगा, अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। खास तौर पे अगर आपकी ये ज़्यादा है तो लो सर्कुलेशन की वजह से नीज के अंदर बैक के अंदर पेन हो सकती है, अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। और ख़ास तौर पे ये जो टाइम पीरियड अपनी बैक का बहुत ध्यान रखें। लेटर टाइम के अंदर आपको अगर आप मेल या फीमेल हैं तो आपकी लोअर अबडोमन को लेके इशू बन सकता है, उसको लेके इशू हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, कई बार आपको हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस से बचे। बात करेंगे एरीज की एजुकेशन के बारे में, मंथ ऑफ जनवरी के अंदर एजुकेशन कैसी होगी। एजुकेशन आपकी इस पूरे मंथ के अंदर आसान होगी, अब बहुत इंथुजियास्टिक होंगे लर्निंग के बारे में और लिविंग के बारे में। हायर एजुकेशन आपकी हायर लर्निंग के ऊपर बड़ा आपका इंटरेस्ट बड़ा होगा, लर्निंग आप अपनी बहुत अपग्रेड करेंगे इस मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर पढ़ना लिखना भी चाहेंगे, इम्प्रूव भी करना चाहेंगे। ख़ास तौर पे अगर आपकी स्टडी का ताल्लुकात पढ़ाई लिखाई में साइंस या टेक्नोलॉजी है तो एजुकेशन भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और हायर एजुकेशन को आप ग्रैस्प करेंगे, लर्न करेंगे, अपग्रेड करेंगे। रोमांस रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं एरीज। रोमांस रिलेशनशिप को जब बात करेंगे तो इस पूरे मंथ के अंदर स्टेबिलिटी अपने अंदर रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल हार्मोनी के अंदर आपके पास होगी। लेकिन ये जो पूरा टाइम पीरियड है गुस्से की आंच को कम करें रिलेशनशिप के अंदर। रोमांस और रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेटस प्रेसिज में एनहांसमेंट होगी, लेकिन कई बार रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा अब्सेस्ड रखेगा, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करेंगे। लेकिन मैं एरीज को ओपनली ये कहना चाहूँगा कि अपने रोमांस और रिलेशनशिप में पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें,
पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, कंट्रोल करने से नहीं होगा कुछ, कम्युनिकेट करें और जो आप बात समझाना चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन उनको समझाएं। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप सिंगल हैं, काम आपके काम की जगह पे, आपकी किसी प्रोफेशन की जगह पे, जॉब की जगह पे किसी से आपकी मुलाकात होगी जो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो अगर आप सिंगल हैं, जो आपका रिलेशनशिप होगा, आपके स्टेटस, आपके वर्क, आपकी सक्सेस, आपकी रेपुटेशन पे उसका वो डिपेंड करेगा, उसकी इर्द गिर्द घूमेगा और उसी से ताल्लुकात रखेगा। एरी जॉब और प्रोफेशन कैसे होंगे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर में? कई बार मंथ ऑफ जनवरी के अंदर केवल लैक ऑफ ड्राइव और लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से कई बार आपका जो आपके पास होना चाहिए, कई बार ड्राइव कम हो गई या मोटिवेशन कम हो गई, उसकी वजह से कई बार आपको इशू हो सकता है। लेकिन जब कई बार ये भी होता है कि आप अपना एम्बिशन को चेंज करते जा रहे हैं, अपना गोल पोस्ट चेंज करते जाएंगे और कई बार आप अपनी गोल अपना टाइम के साथ साथ बदलते जाएंगे और अपनी एनर्जी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते भी जाएंगे। कई बार आप ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार आप काम को पूरा नहीं खतेंगे, काम को बड़ा कर लेंगे, काम को ख़त्म नहीं करेंगे, काम को बड़ा कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर आपका कंपटीशन है लोगों के साथ, उसमें बहुत आप चुस्ती से काम करेंगे और मशीनरी से रिलेटेड कुछ या टेक्निकल ऑपरेशन हो उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत होगा। दुनियावी समझ आपके अंदर पूरी है, लेकिन डिसीजन बनाते हुए विचार कर लें, कमिटमेंट करते हुए विचार कर लें। इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी, अगर आपका कारोबार सेल्स का है, लग्जरी आइटम को बेचने का है, गाड़ियाँ खरीदने बेचने का है, प्रॉपर्टी का है, ब्यूटी फैशन का है, लग्जरीज का है, लाइफस्टाइल का है, एंटरटेनमेंट का है, ज्वेलरी का है, जेमस्टोन का है, फाइन फर्नीचर का है, तो फिर ये कारोबार आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एरीज मंथली कंक्लूजन जनवरी 2020 का, मंथली कंक्लूजन पूरे मंथ के अंदर जनवरी 2020 के अंदर बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज भी होंगे, हर कामकाज में डिले बहुत होंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, बहुत बिजी भी होंगे आप, भाग दौड़ भी बहुत होगी, सीक्रेट टेंशन भी बहुत होंगे इस पूरे मंथ के अंदर। बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, हर बात पे अपना टेम्पर लेके ना आए। प्रैक्टिकल सिचुएशन आपकी बहुत सारी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी टफ हो सकती है, डिमांडिंग हो सकती है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कई बार जैसे आपकी प्रॉफिट को आपकी एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट आपको नहीं भी मिलेंगे, भागदौड़ बहुत होगी। आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत पैशन इन्वेस्ट करना होगा, डिफरेंस ओपिनियन आपके लोगों के साथ बहुत हो सकती है, उसकी वजह से क्लैशेज भी बहुत होंगे और अपने आपको पकड़ के रखना होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा हर चीज़ में गुस्सा ना लेके आए, गुस्सा काम खराब कर देगा, हालात खराब कर देगा। टेम्परो अग्रेशन से बचें, जहाँ पे आपको पेशेंस रखनी है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर पैशन और अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा लेके आएंगे आप, उतनी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितना गुस्सा और पागलपन लेके आएंगे आप प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे, बहुत ज़रूरी है। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके? अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com।
मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्व संपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।